डीएनए स्पोर्ट्स अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के मैच में मुंबई इंडियंस लगातार दूसरा मैच अपना जीत गई है। हरमनप्रीत कौर ने आखिरी जो बॉल खेली उसमें छक्का लगाया। आज की भी पारी कहेंगे काफी अच्छी रही थी, उन्होंने एंकर रोल पूरा किया। तो शशांक हमारे साथ लाइव में है। तो शशांक, एमआई की लगातार दूसरी जीत हो गई और गुजरात जायंट्स ने तो मतलब पूरे गेम में कहीं दिखी नहीं रही थी। बीच बीच में कह सकते हैं कि एमआई खराब खेली, की शुरुआत में थोड़ा स्लो खेली, वरना तो पूरे मैच में गुजरात तो कहीं थी नहीं, एमआई दिख रही थी। एमेलिया कर की बात करें तो उन्होंने विकेट्स भी लिए 4 और उसके बाद रन भी आखिरी में बनाए पूरे। हाँ, हमने स्टार्टिंग में वही कहा था ना कि ऐसा पहली बात तो कोई ऐसी रहेगी नहीं कि किसी भी टीम को ज्यादा एडवांटेज होगा। जो जो अपनी टीम मेरिट पे खेल गई उसकी ये गेम है, और वही हमको दिख भी रहा था कि जिस तरह से मुंबई ने स्टार्टिंग से पूरी पकड़ बना के रखी है मैच पे, वहां पे चाहे फिर गुजरात बैटिंग में हो या बॉलिंग में हो, कहीं पे भी ऐसा लगा नहीं हमको कि कोई भी चीज में सूटेड लग रही है या फिर वो कोई उनमें प्लान दिख रहा है। अब जहां तक रही बॉलिंग की बात, जैसे हमने इसलिए हमने जब अपनी प्लेइंग इलेवन बनाई थी तो उसमें मैंने इसीलिए शबनम स्माइल को लिया भी था, क्योंकि हमने देखा लगातार वो परफॉर्मेंस भी आई है उनकी साउथ अफ्रीका के लिए, और जिस तरह से ये सब प्लेइंग इलेवन देख भी रहे, इसमें स्माइल दिख रही है वहां पे टीम में और दोनों की टीम में, इसलिए क्योंकि दोनों ने वो भरोसा दिखाया कि लगातार एक प्लेयर जो अपनी कंट्री के लिए परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे भी उनका जो गेम है जिस तरह से मतलब बॉलिंग भी है वो कहीं ना कहीं जो कंडीशन है उसको सूट भी कर रहा है, क्योंकि हमने देखा है ऑन द स्लोअर साइड रहा है पिच, जरूर आपको वो डायमेंशन थोड़े बैटिंग को फेवर करते हैं, लेकिन उसको चीज इक्वल करने के लिए फिर वहां पे वो भी है कि मतलब थोड़ा स्लोइश है पिच वहां पे, उसको स्माइल ने जिस तरह से यूज किया है वो 3 विकेट, और सिर्फ वही स्माइल नहीं है। मैं एक और पॉइंट आउट करूंगा, हम जरूर उसके बाद आएंगे उस डिस्कशन पे, लेकिन जिस तरह से पूजा वस्त्रकर को मैंने अपनी टीम में लिया था, मैंने तब कहा था कि जब ऑलराउंडर्स की बात आएगी जरूर वो मतलब पांचवे बॉलर के रूप में उनको इंट्रोड्यूस किया वहां पे, जरूर वो विकेट कॉलर नहीं है लेकिन 2 ओवर में सिर्फ 9 रन है, और जहाँ पे वो पूरे 129 रन है लेकिन और टैक्टिक्स साथ इलेवन में में तो आपको पॉइंट्स में यही चाहिए, या तो आप रन बनाओ चाहे विकेट्स लो। तो उस हिसाब से देखे तो हाँ, उन्होंने मतलब टीम के लिए काम सही किया, लेकिन अगर आप टैक्टिक्स इलेवन में ऐसे प्लेयर्स अभी लेंगे तो जो मैं टीम विकेट के लिए वही, लेंगे। क्योंकि देखिए आपको ये पता है अर्पित, हम टीम हम तो बनाते हैं नहीं, हम तो अपनी ऑडियंस बिल्कुल के लिए बना के बस दे दे रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कि टीम का जा रही है, बिल्कुल इन दी एंड क्रिएट कैसा हो रहा है और चीजें क्या और आगे बेहतर चल रही है, इसीलिए हमने देखा भी है, क्योंकि अगर हम भी वो टीम्स लगाते, अगर हम वो चीजें प्रमोट करते मतलब बेसिकली अभी, तो फिर हम भी वो जाते कि मतलब जैसे विदेशी प्लेयर को ले, बहुत ज्यादा जिनका मतलब नाम है रुतबा, इसीलिए मैं अपनी टीम को थोड़ा अभी इंडिया सेंट्रिक ही रखता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि हमें अब इन दी एंड ऑडियंस को एक बेहतर कवर देना, क्योंकि अभी ये 1 महीने की बात है, उसके बाद फिर वुमेन्स क्रिकेट में इंडिया के लिए बहुत बड़े इवेंट्स यहाँ पे भी शेड्यूल्ड है, सिर्फ सिर्फ मेंस नहीं वुमेन्स क्रिकेट में बहुत सारे इवेंट्स हैं, और जहाँ पे T20 वो वर्ल्ड कप कौन आना है। कौन जहाँ पे वो कौन कौन से प्लेयर है जो वहां पे टीम के लिए अच्छा खेल सकता है, अगर सिर्फ WPL में फॉरेन प्लेयर और लोग अपनी 11 के चक्कर में रह जाएंगे, फिर यहाँ पे वही होगा जो अभी मेंस क्रिकेट में होता है कि फैन बेस डिवाइड हो गए और उसके बाद वो अनवांटेड हेट आता है सबकी तरफ, इसलिए वो चीज हम चाहते हैं कि डीएनए से हम वो इग्नोर ही करवाए अपने फैन से, इसलिए हम वो चीज सेंट्रिक भी रखते हैं। जहां तक भी वापस अगर हम इस मैच पे आए, आपने बात करी हरमनप्रीत कौर की, हमने वो भी कहा कि हरमनप्रीत तब एकदम बढ़िया लगती है जब उनका वो जो ईगो गेम है थोड़ा सा ना है, आज भी हमने यही देखा, और अब तो एक और खुशखबरी की बात है कि पूरे WPL के हिस्ट्री में हाईएस्ट रन गेटर बन गए, तो मतलब लगातार अपनी बैटिंग को दिखाया है, मैकलेनिंग से ऊपर हो गई है, 382 रन हो गया टोटल, अभी मैं देख रहा हूँ मेरे सामने स्टेट्स है, मैकलेनिंग है दूसरे पे, फिर उसके बाद नटालिया है, फिर तो जितने चारों के चारों फॉरेन प्लेयर्स ही हैं, अब तक हमने पिछले WPL में देखा था कि फॉरेन प्लेयर ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, वहां पे हरमनप्रीत ने एज अ इंडियन कैप्टन, क्योंकि इंडिया के कैप्टन भी है और वहां पे MI की कप्तानी करते हुए सबसे ज्यादा रन लगा दिए, और कहीं ना कहीं एक लंबे टाइम से गुजर रही थी मतलब कि वो बैटिंग में एक अच्छा फॉर्म नहीं आ रहा था, तो उस चीज को भी कहीं ना कहीं उन्होंने दरकिनार किया है। जी, अगर हम अभी ओवरऑल देखें, आपको अगर स्टैट्स बताएं तो स्कोर कार्ड में हमें ये दिख रहा है कि एक तो अच्छी पारी हमें खेलने को मिली हरमनप्रीत कौर की, जो कि हम बात भी कर रहे हैं कि 40 रन बनाए उन्होंने, लास्ट तक वो टिकी रही। उसके अलावा एमेलिया कर को देखें तो उन्होंने 4 विकेट लिए 17 रन देकर, और रन भी देखे तो 31 रन बनाए उन्होंने। जब मुंबई इंडियंस के भी देखे तो शुरुआत में 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे, 3 विकेट आपके 50 रन के अंदर गिर गए थे, फिर एक बड़ी पार्टनरशिप हुई कर के साथ और फिर मैच में कुछ बचा ही नहीं था क्योंकि टारगेट ही 120 रन का था। वहीं अभी गुजरात जायंट्स पूरी क्लूलेस थी, बैच मुनी से लेकर लिचफील्ड, हरलीन दियोल कोई भी नहीं चला, गार्डनर भी नहीं चली ना, उन्होंने बॉलिंग में कुछ खास करके दिखाया। बॉलिंग भी देखे तो गार्डनर की बॉलिंग में हमने देखा कि 4 ओवर में 23 रन, रन ज्यादा नहीं दिए,
लेकिन यह है कि विकेट्स भी नहीं है, तो मेन यहाँ पर गेम जो था, अगर गुजरात जीत सकती थी तो विकेट्स लेकर ही जीत सकती थी, क्योंकि तो आपके पास स्कोर इतना बड़ा नहीं था। तो उस नजरिए से देखे तो काफी अभी गुजरात को मतलब गेम अप करना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस तो खेल ही ऐसी रही है कि वो फिर से चैंपियन बनने वाली टीम। दोनों मैचों में आप देखें तो एक उनका हमें लग रहा था कि पहला मैच फंसा भी वो उन्होंने निकाल लिया, तो ये मैचेस उनके लिए आसान हो जाएंगे, वो कॉन्फिडेंस दिखेगा, और वही कॉन्फिडेंस हमें अब इन मैचेस में दिख रहा है। चाहे बॉलिंग में बात करें चाहे बैटिंग में बात करें, बॉलिंग में भी शबनम इस्माइल ने भी जो शुरुआत में 3 विकेट लिए, फिर हेली मैथ्यूज ने भी एक लिया, नेट स्टीवर ब्रांड ने एक लिया, एमिलिया कर ने 4 विकेट लिए। विकेट्स ही नहीं, और अर्पित सिर्फ विकेट्स ही नहीं, जो ये सबसे बड़ा फंबल है ना कि गुजरात ने जिस तरह से वो कप्तान खराब फील्डिंग करी है, बहुत जी ज्यादा मिसफील्ड हुए हैं वहां आउटफील्ड पे, बहुत चाहे वो कैच, गंदा था। हाँ चाहे कैचेस छूटे हो, नॉर्मल आप रेगुलर फोर्स छोड़ रहे हैं, फंबल्स हो रहे हैं। उसके बाद हमने लास्ट में देखा जब 13 बॉल पे 9 रन चाहिए, एकदम क्रंच गेम है, वहां पे बेथ मूनी के हाथ से वो चांस छूटा और वहां पे वो फ्री के चौके मिले हैं। आप 129 ही डिफेंड कर रहे हैं और उसके बाद आप इतनी एवरेज, बिलो एवरेज फील्डिंग कर रहे हैं आप, और वैसे ही आप चिन्ना स्वामी पे जरी सी गलती और फिर बॉल सीधा बाहर है। वहां पे अगर आप इतने ब्लंडर्स करेंगे 129 डिफेंड करने में, तो फिर वो आपकी टीम पे इन दी एंड वो चीज दिखेगी दिखेगी। इसलिए आज का मैच जिस तरह से मतलब छोटा भी रहा, मतलब मुंबई के लिए, मुंबई आज का मैच जल्दी खत्म किया, तो उसके चलते अब हमने देखा कि पॉइंट टेबल में जरूर वहां पे 4 पॉइंट हो गए तो ऊपर है, लेकिन क्योंकि 11 बॉल रहते मैच खत्म हो गया, तो वो चीज मुंबई को आगे बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि अगर एक मैच ऊपर नीचे रहा भी तो जिस तरह से रन रेट आपको काम आएगा, वो हर चीज आपके लिए एकदम अच्छी गई है। इसलिए हमने बात करी थी कि मुंबई चाहेगी जरूर कि उनको एक ऐसा मैच मिले जो कन्विंसिंग हो। पहला मैच आप क्लोज जीते लास्ट बॉल पर, वो भी वो शॉट लग गया, वो कनेक्ट हो गया तो आप जीते, वो तुक्का था। लेकिन ये मैच हर टीम चाहती है कि वो वन साइडेड करके एक मैच जीते, कि आपने पहले बॉलिंग से धौंस बनाई कि 129 में टीम को रोका, और उसके बाद आपने बैटिंग में 2 ओवर रहते वो टारगेट चेज भी किया विदाउट एनी बुरे सिचुएशन में जाते हुए। तो वो चीज मुंबई ने बहुत बेहतर करी और दिखाया कि क्यों एज अ फ्रेंचाइज वाइज इतना नाम है उनका। जी मुंबई इंडियंस की बात करें तो उनका नेट रन रेट जो है 0.488 हो गया है, और वहीं गुजरात जायंट्स हैं वो -0.8 पे आ चुके हैं। तो गुजरात जायंट्स अभी अभी सबके एक एक मैच ही है, तो इतनी जल्दी डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये कि मुंबई की 2 में 2 जीत हो गई है, उस हिसाब से तो अभी टूर्नामेंट है उसमें वो काफी आगे हो गई है। अब अगले मैच की बात करें तो अगला मैच मुझे लग रहा है शायद यूपी वॉरियर्स का है, मैं एक बार वो मैच भी डिस्कस कर लेते हैं हम कि उस मैच अगला मैच की यूपी एंड दिल्ली का मैच है अगला। जी यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स का अगला मैच है, और दोनों ही टीम कहेंगी तो अभी जख्मी शेर ही हैं, क्योंकि दोनों ही पहला मैच हारी हैं, तो मतलब और एक टीम तो 2 पॉइंट लेने वाली वाली है। दोनों के फॉरेन कैप्टन्स हैं, तो कहीं ना कहीं एक विदेशी वॉर भी है यहाँ पे। एलिसा एलिसा हेली यूपी कप्तान है, हमने देखा मैकलेन दिल्ली कप्तान है। अर्पित इससे पहले इस मैच में बात है किसकी तरफ हो? मेरे को तो मतलब जो मैंने मैच देखा उसमें दिल्ली कैपिटल स्ट्रॉन्ग लगी मुझे, या जो तो देखो जापानी। मेरा तो अर्पित सिंपल रहता है, या तो आरसीबी, अगर आरसीबी नहीं है तो दिल्ली, उसके बाद फिर बात की बात है। देखिए दिल्ली जी है, लेकिन वो यही दिल्ली ने वो चीज दिखाई है जरूर पहला मैच, जिस तरह से हम देखा कि कन्विंसिंग तरीके से मुंबई ने नहीं जीता वो मैच। दिल्ली बहुत क्लोज लेके आया है वो मैच, एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे लग रहा था कि दिल्ली अब ये मैच हार जाएगा, मुंबई स्ट्रांग हो गई है, वहां से वो मैच को फंसाया। तो कहीं ना कहीं वो मैकलेन ने दिखाया कि वो फैसले सही हुए हैं, वो डिसीजन सही लिए हैं। लास्ट में जरूर वो छक्का आ गया और ऑब्वियसली बात है कि वो मैच दिल्ली को हारना पड़ा, लेकिन ऑन पेपर भी अगर हम देखें ना तो दिल्ली ज्यादा बेहतर लग रही है जी उसमें भी जिस तरह फिर से। हाँ मैरिजन अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास, मैरिजन कैप है उनके पास जो कि अच्छी ऑलराउंडर है, शेफाली वर्मा अगर फॉर्म में आ जाती है तो वो टीम और थोड़ी अच्छी हो जाएगी। जमाइमा रोड्रिगेस ने पहले मैच में अच्छा परफॉर्म किया, एलिस कैप्सी ने अच्छा परफॉर्म किया दिल्ली के। और यूपी खुद कप्तान वॉरियर्स में ये मैकलेन दीप्ति शर्मा जो बैटिंग बॉलिंग में हम उनको देखते हैं उस नहीं तरीके से मिल पा रहा है, परफॉर्म। और बैटिंग तो एकदम ही गिर रही है बहुत टाइम से। दीप्ति शर्मा के लिए हमने जितनी बात सुनी है बैटिंग में कहीं भी नाम नहीं आ रहा है, बिल्कुल तो एक वो दिक्कत तो है, चाहे वो इंडिया के लिए खेल रही हो या फिर यूपी के लिए खेल रहे हो, बैटिंग में बहुत टाइम से नाम से वंचित रह रहे हैं हम। जरूर वहां पे एलिसा हेली हमको दिखेंगे, वृंदा दिनेश है, मैग्रैथ है, ग्रेस हैरिस है। ग्रेस हैरिस ने वो कल वो चीज करके भी दिखाई कि मतलब एक प्रेशर सिचुएशन में आके वो गेम को थोड़ा निकलवा के भी दिखाया, लेकिन जिस तरह से राजेश्वरी गायकवाड़ ने कल वो इनिंग्स खेली कि पहले बैट
पे बॉल नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बाद वो सेट हुआ। लेकिन आपको ऊपर से वो चीजें करनी पड़ेगी, उस चीज का जिम्मा उठाना पड़ेगा आपके जो अनुभवी प्लेयर्स हैं उनको, वो चीज अभी तक मिसिंग दिखी है। खैर फिराद भाई, जैसा आपने कहा अभी एक ही मैच हुआ है, बहुत जल्दी हो जाएगा अभी जज करना। कल देखते हैं कल किस तरह से दिल्ली और यूपी खेलते हैं, क्योंकि दोनों पहला मैच हार के आ रहे हैं और दोनों पहला मैच क्लोज हार के आ रहे हैं, लास्ट बॉल पे हार के आ रहे हैं, तो वो चीज देखनी पड़ेगी कैसे सेटल होता है जी। अब आपसे कल मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा ये लाइव सेशन पसंद आया तो हमें लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। तीन मैच हो चुके हैं, चौथा मैच कल होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस यूपी वॉरियर्स, और हाँ उससे पहले इंडियन टीम का भी बहुत बड़ा, आप कहेंगे कि सीरीज जीतने का मौका है जिसमें सिर्फ 150 रन चाहिए इंडिया को, तो इंडिया वर्सेज इंग्लैंड पर भी कल पूरी चर्चा रहेगी। तो इन दोनों मैचेस के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक को आप फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डीएनए हिंदी और डीएनए इंग्लिश पर आपको सारी खबर स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई और देश दुनिया जगत से भी जुड़ी हुई खबरें आपको मिलती रहेंगी। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।